स्वागत है आपका डीएसए बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक को उठाया गया है जिसको इसके बारे में बात करना नहीं चाहते लोग, और इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मैसेज दिया जा रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पिरेशनल टू मेरे पास मूवी के, जिसका नाम है साइफन। मूवी इंस्पिरेशनल है, एक हैंडीकैप बच्चे के ऊपर है, और इसमें दिखाया गया है कि एक हैंडीकैप बच्चा कैसे अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, कैसे अपने स्ट्रगल्स को पीछे रखता है और कैसे आगे बढ़ता है। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, और कहते हैं ना कि इरादे बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग चलते, तो लड़के ने अपने इरादे बुलंद रखे हैं, और कहते हैं हौसलों से पंखों से उड़ान नहीं भरते, लेकिन उड़ान जो होती है हौसलों से होती है। तो वो फिल्म का मेरे ख्याल से यही सब्जेक्ट है, और बहुत ही अच्छी फिल्म है और हम इसको इन्जॉय कर रहे हैं। शी ऑल्सो लाफिंग, शी ऑल्सो एन्जॉयिंग, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत बढ़िया। कैसी लगी आप? बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको एकदम बढ़िया। कैसी लगी पिक्चर? अरे पिक्चर कैसी लगी आप? अरे पिक्चर ऑसम है, अच्छी है, रियल स्टोरी पे बेस्ड पे, एंड रियल कैरेक्टर जो फिलहाल मीन्स आपके सामने जो खड़ा है वो अपनी खुद की स्टोरी कह रहा है। इट्स रियली ऑसम एंड फैंटास्टिक मूवी। स्टोरी है बायोपिक मूवी परेश भानुशाली की, रियल मूवी बलसा वाले के, एकदम ऑसम, फाइव स्टार। कैसी लगी आप? आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस मूवी साइफर, और मैं बहुत इजीली कनेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही ये फिल्म देखने के लिए इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि इसमें कोई सिंपथी नहीं है। इसमें जो उनके साथ गुजरा है और जो उन्होंने इतने फाइट करके अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गली थ्रू किया है, आई रियली लाइक इट। और मैं सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुई हूँ तो उनकी मदर से हुई हूँ, मैं खुद भी एक मदर हूँ, आई रियली लाइक इट। आई मीन द वे शी हैज़ टेकन केयर ऑफ अर चाइल्ड बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, उन्होंने बस अपने बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ दी है। हैट्स ऑफ टू द मदर एंड द फादर, द ग्रैंड फादर। आई एम रियली हैप्पी, आई कंग्रेचुलेट एवरीबॉडी हु इज रिलेटेड टू दिस फिल्म, एंड आई होप दैट दिस फिल्म शुड बी अप्रिशिएटेड एवरीवेयर। पिक्चर कैसी लगी? पिक्चर कैसी लगी बताओ? पिक्चर कैसी लगी? मस्त है। हाँ बताइए जरा। एकदम परेश का काम कैसे लगा? परेश का काम अच्छा लगा। हाँ मैडम, पिक्चर कैसी लगी आपको? बहुत ही बहुत अच्छी लगी। देखने जाओ तो हमसे हमारे नॉर्मल बच्चे बड़े नहीं हो रहे, और इन मम्मियों ने ऐसे बच्चों को बड़े करके काबिल बना के बताया। हैट्स ऑफ हिज मदर। आपको कैसे लगी? मूवी बहुत अच्छा है, उसका स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। हम यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है कि हम
हम चेंजर्स को लेके पीछे ना हो बल्कि ऐसे एग्जांपल्स को देख के और आगे बढ़े और मोटिवेट हो और दूसरों को भी मोटिवेट होने के लिए। आपको कैसे लगे? मुझे तो ऑब्वियसली अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड की बायोपिक है, उनका स्ट्रगल है, हम दोनों ने भी मुझे भी थोड़ी सी दोनों ने स्ट्रगल किया है लाइफ में, मुझे भी स्ट्रगल हुआ है। आई हैव अ प्रॉब्लम विद पोलियो, उसने मुझे भी वो होता है एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, जो परेशानी उसको परेश को पड़ी वो मुझे भी पड़ी है आगे पढ़ाई में। थैंक यू। हटके पिक्चर आई है और अच्छी पिक्चर आई है। आइए आपको ही पूछता हूँ ना, एक कैसी लगी मैडम? बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा है परेश का और मोटिवेट करती है, मोटिवेशन देती है। हाय एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं मिडवे है मूवी का और बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मैंने मूवी तो ओवरकेम पहले भी थोड़ी देखी है क्योंकि हम फिल्म पे काम कर रहे थे और मैंने गाया है फिल्म के अंदर। भरत कमल ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है और परेश जी की रियल लाइफ स्टोरी है एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड यू हैव डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी कॉल्ड साइफर। हैव फन, थैंक यू। कैसी म्यूजिक के बारे में बताओ? सर मैं इस पर वैसे 2 साल से काम करता हूँ इस मूवी पे और इसमें आपने गाने सुने होंगे, सोनू ने गाया है, जुबिन ने गाया है, बनी ने गाया है एंड दिव्य कुमार ने गाया है। सो काफ़ बहुत मज़ा आया मुझे और आप चारों गाने सुनेंगे, आपको चारों एकदम अलग टेस्ट के गाने मिलेंगे। एक इमोशनल है, एक गाना मस्ती वाला है पूरा एंड एक रोमांटिक है। चारों का म्यूजिक आपने दिए? जी, चारों का म्यूजिक एंड इवन बैकग्राउंड म्यूजिक जो है। और आगे भी कुछ और भी है आपका म्यूजिक के बारे में? आगे मेरा हाँ सीरीज के साथ। थैंक यू। हाँ सर, पिक्चर कैसी लगी आपको? साइफर सुनने से शिखर तक परेश भाई की ये मूवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी थी और हम सभी लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ज़रूर से लाइफ में अपनी फैमिली के साथ ये मूवी ज़रूर देखें। थैंक यू। आपको कैसे लगे? अपनी बायोपिक में खुद एक्टिंग करके उस तरह से बायोपिक बनाना बहुत एक नंबर। आपको press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.